हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जैसा है कि मैंने जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बहुत सारे बदलाव जो हुए हैं आपकी काउंसलिंग में हुए हैं, तो कौन कौन से बदलाव हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर आप लास्ट तक अगर वीडियो देख लोगे तो एक भी डाउट नहीं बचेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। बाकी अगर आप थोड़ी भी बहुत वीडियो देखते हो तो मैं वो सारी चीज़ें वीडियो में बता चुका होता हूँ जो आप ऑलरेडी मुझसे कमेंट में पूछते हो, इसलिए ध्यान से आप देखिए। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19 नवंबर से काउंसलिंग है, जो आप सबको पता है, और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हालांकि ये डॉक्यूमेंट मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब की बार डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा बदलाव है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले आप सभी बच्चों को इसको शेयर कर दीजिए जो बीएड वाले साथी हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भी अपनी जो है बदलाव को जान ना पाए और वो गलतियां करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। बाकी आप लोगों का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट अपने इस चैनल को कर रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक्स सभी को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बात किया जाए तो लिखा है ओनली कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड रैंक इन द यूपी। इन्होंने ये बताया कि वही बच्चे जो है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया है और उनकी कुछ ना कुछ रैंक है। काउंसलिंग राउंड इन्होंने बताया 3 काउंसलिंग है। फर्स्ट काउंसलिंग राउंड 1, जिसमें आपकी 4 फेज हैं, मैंने आपको काउंसलिंग शेड्यूल भी अच्छे से दिखा दिया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। जिन लोगों ने काउंसलिंग शेड्यूल नहीं देखा है, किनका किस दिन पड़ रहा है काउंसलिंग, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक है, आप वहां पर जाकर अपना काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हो। पूल काउंसलिंग राउंड 2, डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3, ये सब बता दिया गया है काउंसलिंग शेड्यूल में, आपको जाकर देख सकते हो। रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग, काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीजें जो है जरूरत लगेंगी आपको, तो सबसे पहला जो है बैंक अकाउंट डिटेल। तो बैंक अकाउंट डिटेल में भी थोड़ी सी जो है चेंजमेंट है। पहले क्या होता था कि सिर्फ आप अकाउंट नंबर, आईएफएससी, बैंक नेम, ब्रांच डाल देते थे, आपका काम हो जाता था, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है कि दिस शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट आर फादर आर मदर। देखो, जो उसमें आप बैंक अकाउंट डालोगे या तो वो आपका हो या तो आपके मम्मी पापा का हो, ठीक है, यही चीज आपकी होनी चाहिए। लेकिन उसमें जो अब की बार खास बात जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए। आप सभी बच्चे ये जो नोट लिखा है ये देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं। लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज टू अपलोड कैंसिल्ड चेक लीफ, ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ पासबुक वेयर अबव मेंशन्ड अकाउंट डिटेल्स इन आर अवेलेबल इन जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट ऑफ साइज ऑफ 100 KB। इसका मतलब क्या है कि जो आप लोग पासबुक लगाओ, सॉरी जो पासबुक है उसका या तो अपने बैंक का आप चेक लगा दो, जो कैंसिल्ड चेक है उसको आप अपलोड कर सकते हो आप उस पर, ठीक है, क्योंकि वहां अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जब आप बैंक अकाउंट भरोगे तो वहां पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप या तो इसको भर दीजिए, या अगर ये आपके पास नहीं है, अब सभी लोगों को लग रहा है तीनों अपलोड करना, नहीं, या तो आप ये कर दीजिए या तो आप फोटोकॉपी ऑफ फ्रंट पेज, यानी जो पासबुक का फ्रंट पेज होता है, अब ये नहीं पीछे वाला पेज, वो पेज आपको अपलोड करना है जिसमें आपकी बैंक नेम, आपका नाम, आपका आईएफएससी कोड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये सब होता है ना, जैसे आप पहला पेज आप ओपन करते होंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है। तो ये चीज आपको अच्छे से फोटो कॉपी कराकर उसको आपको अपलोड करनी है। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल में क्या होता है कि कहीं अकाउंट नंबर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मतलब धुंधला सा दिख रहा है, किसी में नाम धुंधला सा दिख रहा है, तो ऐसा मत लगाएगा। अगर आपके अकाउंट में ऐसा कुछ है तो आप पापा का लगा दीजिए, मम्मी का लगा दीजिए, और अगर पापा मम्मी के में ऐसा है तो आप अपना लगा दीजिए, यानी जिसमें साफ साफ दिख रहा हो अकाउंट नंबर। क्योंकि जब अकाउंट नंबर ही साफ नहीं दिखेगा तो आप कैसे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। ये लगाया क्यों जाता है वो भी आपको बता दें। जो आपकी काउंसलिंग फीस होती है 5,750 रुपए, इसमें से 5,000 रुपए आपके कॉलेज को चला जाता है और 750 रुपए ये काउंसलिंग फीस होती है। अगर मान लो आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किया, चूज किया आपने काउंसलिंग में, और 10 में से एक भी कॉलेज आपको नहीं मिला, तो आपका जो ये 5,000 रुपया है ये आपके उसी बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दिए जाते हैं जो बैंक अकाउंट आपने लगाया है। इसीलिए कहा गया है कि आप अपना बैंक अकाउंट लगाइए या अपने मम्मी पापा का बैंक अकाउंट लगाइए, क्योंकि और किसी अनजान आदमी का लगा दोगे तो भाई वो आपको पैसे नहीं देगा, उसके अकाउंट में ही रह जाएगा। तो ये चीजें हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम लोग थोड़ी प्रोसेस को समझते। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। बाकी बहुत सारी आप लोगों को क्वेरीज रहती हैं, तो क्वेरीज के लिए आप क्या करिए कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, नहीं करते हो तो इंस्टॉल करो और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप कमेंट भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, लेकिन कमेंट के जवाब जो है वो मैं थोड़ा लेट दे पाता हूं, लेकिन इंस्टा का जवाब आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, आधा से एक घंटे में आपको उसका जवाब मिल जाता है जो आप क्वेश्चन डालते हो। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं,
इन केस द कैंडिडेट नॉट अलॉटेड सीट, वही चीज लिखा जो मैंने बताया कि अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो 5,000 रुपए जो है उसमें रिटर्न कर दिए जाते हैं। फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया यानी बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, ये पहला डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट क्या है, फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020, इट इज मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 हैव टू अपलोड दियर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये चीज आपको अपलोड करनी है। चलिए अगला देखते हैं, जो आपने यानी क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स का मतलब जो है जो आपकी रैंक कार्ड आई होगी, रैंक कार्ड का मतलब आप जानते हो, जो आपने रिजल्ट निकाला होगा जिसमें आपकी रैंक वगैरह है, तो वो चीज आपको इसमें लगानी है। तीसरा क्या है, फॉर दिस दे वुड रिक्वायर अ स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस ऑफ अपेयरिंग इन 2020, जो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट है यानी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी फोटो कॉपी आपको लगानी है। और सेकंड चीज इन्होंने दिया है जो यहां पर लिखा है, ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड, यानी केवल जो है ओरिजिनल मार्कशीट एक्सेप्टेड होगी। फिर दूसरे पॉइंट पर दिया है प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के क्या है कि अभी रिजल्ट तो आ गए हैं लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो उनके लिए भी यहां भी लिखा हुआ है कि जिनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है वो अपना जो वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं या जो आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जाकर आप मोहर करवा लीजिए, साइन दस्तखत यानी अटेस्टेड करवा दीजिए उसको, वो भी आपकी स्कैन में काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहिया पसंद है तो लाइक करिए। फर्स्ट काउंसलिंग राउंड फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इन टू फेजेज, आपको जैसे पता है 4 फेजेज होंगे। ओनली कैंडिडेट्स फॉलिंग विद इन द अनाउंस स्टेट रैंक रेंज, यानी कि जिस रैंक की जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन यूजिंग दियर लॉग इन डिटेल, वही चीज है, अपना नाम रोल नंबर डालोगे वो लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे दिया गया है काउंसलिंग फीस दी गई है कि 5,750 रुपये होंगे, जिसमें 750 रुपये जो है काउंसलिंग फीस होगी और 5,000 रुपये जो है एडवांस कॉलेज को जमा करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि जो 51,225 रुपये है उसको छोड़कर ये 5,000 देना होगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 5,000 रुपये आपको पहले देने होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये 5,000 रुपये आपको काउंसलिंग के टाइम देंगे होंगे, बाकी 46,125 रुपये आपकी कॉलेज अलॉट होने के बाद जमा होगा, और ये भी आपका ऑनलाइन ही जमा होगा और ये भी आपका ऑनलाइन ही जमा होगा। ठीक है, यानी ऑफलाइन कुछ भी नहीं जमा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है इसमें ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल चॉइस आफ्टर पेइंग, जब आप 5,750 रुपये आप पे कर दोगे उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, अपने कॉलेज को चूज कर पाओगे। दूसरा है चॉइस फिलिंग, अब चॉइस फिलिंग में मैंने आपसे क्या कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चूज करिएगा। बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग, ऑप्शन फॉर ओनली संस्कृत, ऑप्शन फॉर करेक्ट दियर जेंडर, ये सारी चीजें हैं आपको करना है, और कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल दियर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू दियर प्रेफरेंसेस, ये चीजें आप अपनी कॉलेज अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस करिए जो भी है चीजें, तो इसमें और मुझे नहीं लगता है कुछ भी चीजें इसमें बताने लायक है। द चॉइस फील्ड बाय द कैंडिडेट्स आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड वंस लॉक्ड, दस इन दियर ओन इंटरेस्ट कैंडिडेट मस्ट फिल इन सफिशेंटली लार्ज नंबर ऑफ चॉइस, यही चीजें जो मैंने आपको बार बार बताया अपनी हर एक वीडियो में कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चूज करिए, वो बच्चे जिनकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है वो ज्यादा चूज करिए, जिनकी रैंक 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 है वो गवर्नमेंट ज्यादा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको आप ज्यादा सेलेक्ट करिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएं। बाकी जिनकी रैंक 2,10,000, 2,20,000, 2,50,000, 3,00,000 तक रैंक है वो जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हैं उनको और अपनी डिस्ट्रिक्ट के बगल की जितनी डिस्ट्रिक्ट है उन सारी कॉलेज को आप चूज कर लीजिए, कोई लिमिट नहीं है यहां पर लिखा गया है। इफ अ कैंडिडेट हैज सबमिटेड द चॉइस बट नॉट लॉक्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग इज ओवर, इट विल ऑटोमेटिकली बी लॉक्ड बिफोर सीट अलॉटमेंट, यानी कि अगर आपने कोई कॉलेज चूज कर लिया है और बाई चांस आप उसको लॉक नहीं कर पाए, चूज तो आपने कर लिया लेकिन लॉक आपने लास्ट डेट तक नहीं कर पाए हैं, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आपको सीट अलॉटमेंट उस हिसाब से मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी, अगर आप नहीं कर पाए तो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक कैंडिडेट एज विल, हाँ वही चीज है ना, जो स्टेट रैंक के हिसाब से ही आपकी जो कॉलेज है वो मिलेगी। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी टू बी फॉलोड इन एडेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, ठीक है,
जो आपकी रिजर्वेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। जो आरक्षण वगैरह होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज तक ही सीमित है, प्राइवेट कॉलेज में सीमित नहीं है, इन्होंने ऐसा बताया है। EWS रिजर्वेशन टू बी फॉलोड इन एडेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही EWS वालों के लिए भी इन्होंने बताया है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली, जब आप लॉगिन करोगे तभी आपको अलॉटमेंट रिजल्ट मिलेगा और कोई नहीं इसको देख सकता है, यानी लिस्ट वगैरह नहीं आती, जब आप अपना उसमें डालोगे लॉगिन करोगे तभी ये सारी चीजें होंगी। ऐसे ही स्टेप 4 प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो एक कंफर्मेशन जो है लेटर उसमें अलॉट होगा आपका। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज विल हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, जो वहां पर एक लेटर मिलेगा कि हाँ ये आपका कंफर्म कॉलेज हो गया है। इन केस द कॉलेज फीज मोर देन द एडवांस कॉलेज फी द कैंडिडेट विल हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑनलाइन विद इन 3 days ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट। हाँ ठीक है, आफ्टर दिस कैन डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर। ठीक है, अगर कोई भी आपकी फीस जो है बची हुई है, ठीक है, एडवांस या कुछ बची हुई है, तो आपको 3 दिन के अंदर आपको उसको अपलोड करना, मतलब आपको सबमिट करना होगा कॉलेज अलॉटमेंट के पहले। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिख दी गई है। इन केस द कॉलेज फीज लेस देन द एडवांस कॉलेज फी दे कैन डाउनलोड दिस प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर द एक्सेस फी अमाउंट वुड बी, हाँ ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई वो नहीं है। SC and ST and EWS candidate will have to pay the remaining amount of balance fee if the college fee is more than that. देखो वही चीज है जो SC ST की हर बार जीरो फी पर होती थी, यहां पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि कुछ भी जीरो फी पर नहीं है, अगर जीरो फी पर होता तो ये पैसे क्यों मांगते। ठीक है, तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, जब आपकी कॉलेज कोई है अलॉट हो जाएगा, कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। यानी हर बार क्या होता था कि 7 दिन के अंदर आपको बुलाया जाता था, 7 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन अब की बार जो है सत्र लेट हो गया इसलिए इन्होंने 3 दिन का समय दिया, इसीलिए मैंने कहा कि ये भारी चेंजमेंट अब की बार हुई है आपके इसमें। देख लीजिए ध्यान से, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, ये सारी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसको वेरीफाई करेंगे वहां के प्रिंसिपल वगैरह जो हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी ये चीजें यहां पर लिखी गई हैं, यानी ये एडमिशन के समय लगेगा, काउंसलिंग के समय सब कुछ नहीं लगना है। प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसका प्रिंट आउट चाहिए। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था बीएड का तब का एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड आपको चाहिए, यानी एडमिट कार्ड आपको याद होगा 2 एडमिट कार्ड आप लेकर गए थे उसमें से एक आपको रिटर्न हो गया था, तो एक एडमिट कार्ड वो वाला चाहिए। स्कोर कार्ड, जो आपने स्कोर कार्ड निकाला जिसको रैंक कार्ड आप बोलते हो। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ यानी क्लास 10 की सर्टिफिकेट। ऑल मार्क्सिट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन, यानी जितने आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम है सबके आपको सर्टिफिकेट चाहिए। कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज, सर्टिफिकेट, जो भी आपने किया है सारी चीजें आपको चाहिए। ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी आधार कार्ड पैन कार्ड जो है। 2 passport साइज फोटोग्राफ, कॉपीज ऑफ ऑल रिसिप्ट्स, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर रखने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद अगला बनता है पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग जो है ये वो बच्चे कराएंगे जो पहले काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं या छूट गए हैं या उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इसमें क्या है, सारी चीजें दी गई हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी आपके फर्स्ट काउंसलिंग जैसा ही है, वैसे ही लॉगिन करना है, वैसे सब कुछ करना है, लेकिन इसमें एक चेंज है, वो है स्टेप 2 में। यहां पर देखिए, उसमें क्या था कि आपको 5,750 फिल करने रुपए देने थे, फिर बाकी के जो 46,150 रुपए थे वो आपको बाद में देने थे। इसमें क्या है, आपको 51,250 रुपए आपको तुरंत देने हैं, उसी दिन पे करने हैं। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो 51,250 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। बस इतनी ही चीजें जो हैं वो इसमें चेंज है, और इसमें कोई भी चेंजेज नहीं है, ऐसे ही सारी चीजें इसमें है और मुझे इसमें कोई चेंजेज नहीं दिख रहा है। उसके बाद में आपकी जो है Round 3 यानी डायरेक्ट एडमिशन जो है, डायरेक्ट एडमिशन में वही लोग भाग लेंगे जो पूल काउंसलिंग और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं, और ये जो है ये आपके कॉलेज बेसिस पर होता है, आपको कॉलेज जाकर ये सारे काउंसलिंग वगैरह कराने पड़ेंगे, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं ये आपको वहां आपको पता चल जाएगा। जब पूल काउंसलिंग भी हो जाएगी, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर इन्होंने ये कॉलेज लिस्ट निकालेंगे जिसमें जिस कॉलेज में जितनी सीटें खाली हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो टेंशन ना लो, अगर आपको ऐसी चीजें आएंगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से
बता दूंगा, और इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई चीजें हैं। हाँ, अगर कुछ चीजें मैं इसमें भूल गया हूं या हो सकता है कि मैं बता ना पाया हूं, तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट के साथ मुझे इंस्टा पर भी वो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा ताकि मैं उसको रिप्लाई जो है दे सकूं, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई चीज इसमें जो ऐसी है जो आप समझ नहीं पाए हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों को भी अपने, और प्लीज सब्सक्राइब तो तुरंत करिए। सब्सक्राइब ना करने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती है, आप पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करिए आप लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।